हाय फ्रेंड्स, तो देखो आजर ए भिडियो आम देखा कैलकुलस रो लास्ट लेक्चर। तो कैलकुलस रे आम देखले कौन लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव तापर पार्शियल डेरिवेटिव तापर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखी थे। तो यहाँ हूँ आम कैलकुलस रो लास्ट लेक्चर जो थे कि आम लिविज थ्योरम को पढ़ा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा। ठीक अच्छे, सो देखो ये सब आपर सिलेबस रे नहीं बट यूर क्वेश्चन आमती कि मुझे देखिए दूसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ हूँ आपंकर क्वेश्चन जोटा कि आसला कौटू ना आपंकर लिविज थ्योरम रो क्वेश्चन आसला। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझक लिविज थ्योरम रो क्वेश्चन गुड़ाक मुझे देखा। देखो ये जिनस गुड़ाक आपने फोकस करूँ। ओके यू आपने देखते फर्माटा तापर नेक्स्ट ए फर्माटा देखु तापर ए फर्माटा देखु नेक्स्ट आपने ए फर्माटा देखु तापर ए फर्माटा देखु नेक्स्ट यहाँ तापर एटा एंड तापर ए क्वेश्चन टा देखो ये क्वेश्चन फॉर्मेट से भाई अच्छे ना नहीं अच्छी। तो ये क्वेश्चन टा कौथर आसाला तो यहाँ लिविज थ्योरम रो क्वेश्चन तापर आउ गोटे क्वेश्चन मुझे देखा। ये क्वेश्चन टा देखो वाई रैल्यू दिखाई है आपको सी डिफरेंशियल इक्वेशन टा यार पचार। ठीक अच्छे, जोटा कि कैलकुलस अंडर आसो। तो यही सब टॉपिक्स को आज वीडियो रे आम कवर करवा। ठीक अच्छे, सो मुझक फर्स्ट ऑफ ऑल लिविज थ्योरम रो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टाइप्स गुड़ाक करेबी तापर डिफरेंशियल इक्वेशन केमती आप फॉर्मेशन करेंगे एंड तार सॉल्यूशन केमती फाइंड करेंगे सेटा भी मुझको आज वीडियो में शिखेदेवी। ठीक अच्छे, तो देखो आमको लिविज थ्योरम रो जब क्वेश्चन को सॉल्व करिवार अच्छे तो लिविज थ्योरम रो गोटे पर्टिकुलर फॉर्मेट थाए से फॉर्मेटा को आमको शिखा को पड़ो। ठीक अच्छे, सो ये मुझको तीन टा टाइप्स कहबी से तीन टा टाइप्स तीन टा अलग अलग फॉर्मेट रही डिफरेंस आपको बहुत ही छोटिया छोटिया डिफरेंस रही आपने ऑब्जर्वेशन रू जापर क्वेश्चन को देखिले आपने बुझीजे। ठीक अच्छे, जमीती देखो मुझको क्लासीफाए करें फर्स्ट ऑफ ऑल जदि आमको दिखाई साइन फॉर्म रे किंबा कॉस फॉर्म रे दिखाई किंबा लॉग फॉर्म रे दिखाई किंबा आमको ए टाइप रो किसी दिखाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किंबा माइनस ए स्क्वायर तार पावर एम दिखाई ये टाइप रि आमको दिखाई थोड़ा यहाँ आम हो कौन फर्स्ट टाइप रे आसीजोर तापर सेकेंड टाइप कौन सेकेंड टाइप हूँ आम एक्सपोनेंशियल। ठीक अच्छे, एक्सपोनेंशियल मीन्स ई रो पावर फॉर्म रे किसी भी थी जदि तो सही जगह आम सेकेंड टाइप आसो दैट इज एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मेट आसो। तापर थर्ड फॉर्मेट मुझे कौन जोटा कि हूँ आम टेन फॉर्मेट रे। ठीक अच्छे, तो ये तीन टा फॉर्मेट को आम शिखा एंड ये तीन टा फॉर्मेट थिले केमती आपर सॉल्यूशन गुड़ाक आसो सेटा भी आम शिखा। ठीक अच्छे, जमी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कौन जदि केवे भी क्वेश्चन आपको साइन किंबा कॉस किंबा लॉग किंबा ए फॉर्मेट रे दिया हो तो एमंर कौन होता है ना एमंर टाइप्स गुड़ाक समान होता है मानने सॉल्यूशन टा सेम टाइप रो आए। ठीक अच्छे, तापर जदि एक्सपोनेंशियल आसीजो एक्सपोनेंशियल रे टिके डिफरेंस आसी जाए से डिफरेंस टा मुझे कहीदेवी एंड टेन रे भी आपको टिके डिफरेंस आसे जोटा कि आपने वर्तमान क्वेश्चन देखने बुझीपारे। ठीक अच्छे, तो आम वन बाय वन टॉपिक्स मीन्स टाइप्स रो स्टार्ट करवा। फर्स्ट आम साइन को जीवर लॉग को जीवर या देखा तापर एक्सपोनेंशियल को जीवर टेन को जीवर। ठीक अच्छे, तो देखो फर्स्ट मुझको साइन उपरको नहींक आसूँ जमीक आमको दिखाई कौन क्वेश्चन उपर फोकस करूँ क्वेश्चन कौन दिखाई आमको बाकी जहाँ भी लिखाई टिके डेरी नेग्लेक्ट करूँ भूली जातु कि कौन लिखाई। ओके देखो वाई इज इक्वल्स टू आपको दिखाई कौन साइन इनवर्स एक्स रो होल स्क्वायर दिखाई एंड सी आपको कौन दे सी आपको ए वैल्यूटा दे वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स इंटु वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू के हम। ठीक अच्छे, सो देखो ये जो आपको सी एक्सप्रेशन टा दे एक्सप्रेशन टा क्या सहित इक्वल हम सी पचार। ठीक, तापर वर्तमान देखो ये तल एक्सप्रेशन टा देखो ये तल एक्सप्रेशन टा हूँ आपर एक्चुअली मेन जिनस। ठीक अच्छे, सो आपने जदि देखिए देखो यहाँ आपर कौन होता है ना ये सब हूँ लिविज थ्योरम रो एप्लीकेशन पार्ट माने आपको कौन हुए ना जितेबाला भी ये टाइप रो क्वेश्चन आसे आपको एमती दिए वाई रैल्यूटा देदेव आउे कह कि प्रूफ दैट दिस इज इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ आपको प्रूफ करार था बट सी कौन कर एमसीक्यूज्रे सी आपको यही एक्सप्रेशन टा देदे एंड सी ये पार्टा रही पार्टा कौन आमको राइट साइड को नहीं जबार अच्छी एंड ता सहित आमको इक्वल करके लिखबार अच्छे माने ये जिनसा जो आपको गिवेन दिखाई दिस इज इक्वल्स टू कौन आपर एन स्क्वायर वाई एन सहित इक्वल हो सर नो एति जिन बुझी आसला। तो आमको कौन करमको ये एक्चुअली देखो लॉन्ग क्वेश्चन भाया जदि आम यार प्रूफ टा बाहर करवा तो कौन हम ना आम प्रॉब्लम हो। ठीक,
टाइम ही हेबन। तो आमको ये फॉर्मेट सीखिबार अच्छे कि ये फॉर्मेट एक्चुअली केमती बनुच्छी। ठीक अच्छे, जदि आमको वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स कि कॉस इनवर्स एक्स कि लॉग एक्स कि आमको दिहित कौन ए फॉर्मेट दिहित दैट इज जोटा मुझे आपको देखेली एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कि माइनस ए स्क्वायर पावर एम ए फॉर्मेट दि जदि होते आपण मैंने केमती ये तल फॉर्मेटा लिखाई है ये फॉर्मेटे केमती लिखे। ठीक अच्छे, सो वन्स ए फॉर्मेट आपण मैंने लिखी सीखीगले आपण मैंने लिविंग थ्योरम रो क्वेश्चन गुड़ाक आराम से करदे। ठीक अच्छे, देखते कौन रही टाइप आमको जो वाई रैल्यूटा दिहित कौन करेंगे वाई आपण मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे कौन करेंगे गोटे थर डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज वाई वन बाहर करेंगे। ठीक अच्छे, वाई वन तो फर्स्ट डेरिवेटिवटा को कमी लिखा जाए वाई वन भी लिखा जाए वाई डेस भी लिखा जाए डी वाई अपन डी एक्स भी लिखा जाए राइट ए टाइप लिखा जाए। तो आम ये कौन करवा आम या वाई वन लिखा कहीं देखो तले आपण मैं वाई एन प्लस टू रोच एन प्लस वन रोच या मैंने कौन वाई रन प्लस टू डेरिवेटिव वाई रन प्लस वन डेरिवेटिव। ठीक, तो से भाई आम कौन करवा वाई वन करवा तो वाई वन जो आपने करेंगे जमीक आपको ये क्वेश्चन में गिवेन कौन अच्छी क्वेश्चन में गिवेन अच्छी वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रो होल स्क्वायर राइट। बर्तमान यार जब आपने डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स काढ़े तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आसो साइन इनवर्स एक्सटा को आम जब सपोज करूँ एक्स भाया कनसीडर करवा तो यहाँ हो एक्स रो होल स्क्वायर राइट। तो एक्स रो होल स्क्वायर कौन होता है डेरिवेटिव टू एक्स होता है सो टू साइन इनवर्स एक्स आसो राइट। बर्तमान कौन हम अकॉर्डिंग टू चेन रूल साइन इनवर्स एक्स रो डेरिवेटिव करेंगे सो साइन इनवर्स एक्स रो डेरिवेटिव कैसे आसो वन बै वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर आसो इतनी आसाला। बर्तमान देखो आपने केमती ये फर्माटा लिखे। ठीक अच्छे, एति कर सारापर ही आपने सल्यूशनटा लिखिपर आराम से देखते बुझु भल से डिनोमिनेटर आपको जो टर्म्सटा दिखाई दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक अच्छे, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो यार आपने कौन करेंगे स्क्वायर पार्टा मल्टीप्लाय करेंगे क्या सहित ना वाई एन प्लस टू सहित मल्टीप्लाय करेंगे। ठीक अच्छे, y n प्लस टू सहित मल्टीप्लाय करेंगे तो ये y n प्लस टू कहीं आसला देखो आमको कौन कर लिविंग थ्योरम मैंने nth डेरिवेटिव तो आम करवा आहेतु ये आम स्क्वायर करुचे तो ये टूटा एड हो आपति बुझी नि। ठीक अच्छे, एक्चुअली एमती हुए नहीं जदि आपने प्रूफ करेंगे तो आपण मैं कौन हुए ना यहाँ ये मल्टीप्लाय कराए तापर तार स्क्वेयरिंग कराए तापर पुणी डिफरेन्सीएसन कराए जोटा कि गोटे बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक, तो ये आम कौन करवा देखो यार स्क्वेयरिंगटा करदे तो यार स्क्वेयरिंग करदे के स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो यार स्क्वेयरिंग करदे ये वन माइनस एक्स स्क्वायर होती जिन बुझी आसला। बर्तमान देखो ये आम कौन लिखा ये आम लिखा वाई एन प्लस टू। ठीक अच्छे, फर्माटा आपण मैंने मन रखु वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वाई एन प्लस टू आसीगला ये तापर कौन करेंगे तापर जो टर्म्स गुड़ाक लिखाई से टर्म्स गुड़ाक कमी लिखे से आपने देखिए ये जो एक्स स्क्वायर अच्छी। ठीक अच्छे, कि एक्स अच्छी तो एक्स रो कोफिशिएंट कौन अच्छी पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव अच्छी जदि नेगेटिव अच्छी या पर जिते भी टर्म्स आसो सब गुड़ाक नेगेटिव आसो बस एति जिन बुझी आसला या जिते भी टर्म्स आसो सब गुड़ाक नेगेटिव आसो ता मैंने आम ये नेगेटिव दबा तापर कौन लिखा देखो तापर आम लिखा टू एन प्लस वन 2n प्लस वन कहीं लिखाला बिकज यहाँ हूँ यार फॉर्मेट। ठीक अच्छे, सो 2n प्लस वन हो सहित कौन मल्टीप्लाय कर एक्स मल्टीप्लाय कर एंड एटी एन प्लस टू अच्छी तो एटी आस एन प्लस वन मैंने गोटे गोटे कमी कमी जापर कौन हम पुणी थे माइनस लिखा हे एंड एटी कौन आस देखु एन स्क्वायर आसो। ठीक अच्छे, एन स्क्वायर आसपर आपने बुझु एन स्क्वायर सहित कौन लिखा जाए ये आपर जदि देखिए सपोज करूँ कौन सभी कन्स्टाट आसान को छाड़ी कौन सी कन्स्टाट आस सपोज ए बी सी एम यही टाइप रि किसी भी आसे आपने कौन करेंगे आपने माइनस ए स्क्वायर करेंगे कि माइनस बी स्क्वायर करेंगे माइनस एम स्क्वायर करेंगे आदि सपोज करूँ कौन सी कन्स्टाट आसुनी वन आसुच्चे ये जगह किसी लिखा दरकार नहीं डायरेक्टली माइनस एन स्क्वायर करेंगे एंड वाई एन लिखे एन कहीं लिखिले बिकज ये एन प्लस वन तो ये एन आस तापर कौन करेंगे इक्वल्स टू जीरो करदे तो जो भी एन आसीगला से जगह आम कौन एक्सप्रेशन टा स्टॉप हो एंड इक्वल्स टू जीरो लिखिदे। ठीक, तो यहाँ होगा आम कौन यहाँ होगा आम सॉल्यूशन। बर्तमान ये सॉल्यूशन रु से आमको जहाँ भी पचार क्वेश्चन में से अनुजाई आम आंसर दबा जमी आमको सपोज करूँ ये टर्म्सटा देदेला कह दिस इज इक्वल्स टू कौन हम
तो आमे कौन करवा राइट साइड रे ए पार्ट टाक आउ ए पार्ट टाक नहीं जावा, तो सेटा ही जावा मोर सॉल्यूशन। जदि सपोज करंतु से क्वेश्चन रे ए टाइप रो देला जेमती एठी दिया हिची दीटा टर्म्स दिया हिची थर्ड टर्म टा पचार, थर्ड टर्म टा हमरो कौन हिजो राइट साइड को पळे आसले सेटा हिजो एन स्क्वायर वाई एन हिजो, नेगेटिव टा पळे आसले पॉजिटिव हिजो, ठीक अछि। सो एटा हिजो एरो सॉल्यूशन। तो आई होप आपन मन को बुझि आस्तो, पूर्ण थरे मु आपन मन पई रिपीट कर दउ छी। देखंतु फर्स्ट आमे कौन कले, फर्स्ट आमे जो वाई दिया हितला वाई रो आमे डिफरेंशिएशन कले, डिफरेंशिएशन कला परे आमरो जो एठी डिनोमिनेटर पार्ट टा आसला, डिनोमिनेटर कौन आसला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आसला, तो यार कौन करिवे यार होल स्क्वायर कर देबे, यार होल स्क्वायर टा को आपन माने मल्टीप्लाई करबे, सो दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर आसीबो, यस ओ नो। तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आसला ता से तो कौन मल्टीप्लाई करा जइबो वाई एन प्लस टू मल्टीप्लाई करा जइबो, ठीक अछि वाई एन प्लस टू। माइनस कौन करिवे माइनस एठी 2n प्लस 1 लिखिबे, ठीक अछि। सो 2n प्लस 1 टा कंपलसरी रहिबाटा रहिबो, ठीक अछि 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ x मल्टीप्लाइड विथ वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर हबो, ठीक अछि एन स्क्वायर हबो। जदि एठे सपोज करंतु कोनोसी कांस्टेंट थांत ताहाले सेटा एन स्क्वायर माइनस हेतांत, जेहेतु नाही तो सेइपे आमे एठे किछि भी कॉलेनी, तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इनटू कोन करिवे वाई एन इज इक्वल्स टू 0, तो एटा हिजो आपन मनको सॉल्यूशन, ठीक। तो एठि जो आपन मनको पचारि छि तो एठि इयार वैल्यूटा केते आसीबो, इयार वैल्यूटा आसीबो एन स्क्वायर वाई एन आसीबो आंसर, बुझि आसिले। तो एटा हेगला हमरो फर्स्ट फॉर्मेट जोटे कि साइन फॉर्म रे जदि दिया हितबो। तापर देखंतु नेक्स्ट मु आपन मनको देखौ छि जोटे कि होउछि ए फॉर्मेट रे जदि दिया हितबो, ठीक अछि। सो वर्तमान बुझंतु कि एठि हमको वाई इज इक्वल्स टू कोन दिया छि, वाई इज इक्वल्स टू दिया छि साइन एम साइन इनवर्स एक्स दिया छि, इयार आमे कोन करबा इयार आमे डेरिवेटिव करबा। सो डेरिवेटिव कले कौन हो पार्टा को जब आप एक्स भाया कनसीडर करुँच तो यहाँ होगा सैन एक्स, सैन एक्स रेरिवेटिव के कस एक्स होता है, सो दिस मीनस कस एम सैन इनवर्स एक्स लिखिदेव। तापर यो पार्टा रहीगला भितर तो यार भी डेरिवेटिव करवा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो यार डेरिवेटिव कले कौन हो एमटा हूँ कन्स्टेंट एमटा बाहर रोज एंड सैन इनवर्स एक्स रेरिवेटिव के वन बै स्क्वेयर रूट अफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर एति आस सारा। बर्तमान कौन करेंगे देखो जोटा डिनोमिनेटर अच्छी तार स्क्वायर करदे, तो तार स्क्वायर करदे कौन हो देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर राइट। तो या सहित तो कौन मल्टीप्लाई करेंगे या सहित तो वाई एन प्लस टू मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म टा कम्प्लीट हो गला, सेकेंड टर्म देखो कमी लिखा एक्स रो कोफिशिएंट अच्छी नेगेटिव अच्छी, सो नेगेटिव करूँ तापर कौन करेंगे टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ एक्स वाई एन प्लस वन आस गोटे गोटे कमी कमी जब तापर कौन आस माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर पर कौन आस देखो एटी के एम अच्छे ना नहीं एम अच्छी, तो मुझे कही कि जिते वन को छाड़ी अलग कौन से आर्बिट्री कन्स्टाट आसा माइनस करके पड़ो, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0 एति हो सल्यूशन। तापर से क्वेश्चन में आमको जहाँ भी देव यहाँ होगा आम टोटल सॉल्यूशन। तापर से क्वेश्चन में सपोज करूँ एति आपण दिया है दिस इज इक्वल्स टू दिस पचार, तो कौन हो पार्टा को राइट साइड को नहीं आसवे, तो यहाँ हो पॉजिटिव एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0, ठीक अच्छे। किंवा आपको से ए टर्म्सटा दे बाकी टर्म्सटा पचारदेला, तो सहीटा भी लिखिपारे, तो सी जोटा भी पचार आम सॉल्यूशन कर आराम से जब आपई एक्सप्रेशन टा लिखी आसीगला वन्स, ठीक अच्छे। तो यहाँ होगा आम सेकेंड टाइप, तो आशा करी आपको बुझे आसो। तापर देखो थर्ड टाइप, थर्ड टाइप आपको लॉग रे दिया है, तो जमी आपको साइन रे दिया है, तो साइन रे जमी आसाला से भाया कॉस रे भी आसो, कॉस रे किसी डिफरेंट ना पूरा डिटो सेम टू सेम आस, ठीक अच्छे। तापर देखो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर आमको लॉग फॉर्म रे दिया है, कौन दिया है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यार आम कौन करवा डिफरेंशिएशन करवा, तो डिफरेंशिएशन टा आपण मनको आसीबा निहाति दरकार, तो डिफरेंशिएशन टा केमती होची फर्स्ट ऑफ ऑल मु आपनको कहि दउछ, ठीक। देखो वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एतिक गिवन अछि हमको राइट, एतिक गिवन अछि यार डिफरेंशिएशन केमती करबा। देखो ये जो भितर पार्ट अछि भितर पार्ट टा को एज्यूम करंतु कि एडा आपनको एक्स दिया हेछि, तो यार जब डेरिवेटिव करेंगे वाई वन के देखो लॉग एक्स रो डेरिवेटिव के वन बै एक्स दैट इज वन बै एक्स जगह कौन नहीं आम एक्स जगह आम नहीं एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एतिक आसपर कौन हम ना जो भितर पार्ट अच्छे तार डेरिवेटिव आसो दैट इज डी बै डी एक्स ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एतिक आस। नेक्स्ट देखो कौन करेंगे वन बै एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ
डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन जो अच्छी यार डेरिवेटिव करूँ एक्स रो कहते हैं वो वन हम एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन रो डेरिवेटिव कहते हैं देखो वन बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन रो डेरिवेटिव कहते आसो टू एक्स आसो सही टू 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 टा कौन होगा कैनसल होगा सिंपल जिनस एड करूँ ठीक अच्छे एड कले कैसे आसो वन बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एटी आसो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स एति आसो बर्तमान देखो ये जो डिनोमिनेटर पार्टा अच्छी आउ न्यूमेरेटर पार्टा अच्छी दुईटा जाक सामान अच्छा ना नहीं सामान अच्छा तमें ये दुटा कौन हो दुटा कैनसल हो तो कैनसल हो गल आपको रही किए रहा आपको वन बै स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर प्लस वन तो आमको दिखाई कौन वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर प्लस वन दिखाई है तो यार जो आम डेरिवेटिव कले आम पाइले वन बै स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर प्लस वन तो देखो से जिनसा लिखाई वन बै स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बर्तमान आमको जब फर्माटा लिखार अच्छे तो से आम कौन करमर ये डिनोमिनेटर थाए तार स्क्वायर टाइम मल्टीप्लाई करवा ठीक अच्छे सो देखो आम डिनोमिनेटर कौन अच्छी डिनोमिनेटर अच्छी एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट अफ तो यार स्क्वायर करदे के एक्स स्क्वायर प्लस वन आस ठीक अच्छे सो यटा को आपने सजेक एमती भी लिखिपारे वन प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखिपारे या सहित कौन मल्टीप्लाई करेंगे वाई एन प्लस टू मल्टीप्लाई करेंगे मुझे जमी कहली ना कि फर्माट आम पूरा डिटो सेम टू सेम रो कि भी चेंजेस हेनी तापर जो नेक्स्ट टर्म गुड़ाक आसो से गुड़ाक कौन हम ना देखो पॉजिटिव आसो बिकज एक्स रो कोफिशिएंट कौन अच्छी पॉजिटिव अच्छी तो पॉजिटिव आसो दैट इज प्लस तापर आसो टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर पर देखो एटी किसी भी आम कांस्टेंट तो आम एन रु माइनस कर पारे सो एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू जीरो सो यहाँ आम फॉर्मेट जदि ये सपोज करूँ एम आता तो आम कौन कर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर y n इज इक्वल्स टू जीरो करते ठीक अच्छे तापर से राइट साइड को नहीं से नेगेटिव आता ठीक अच्छे सो ये टाइप रे कौन करेंगे ये टाइप रे पूरा एक्सप्रेसनटा लिखिपारे आपको से सल्यूशन जहाँ भी पचार थो क्वेश्चन तो से अनुसार आपने टिक करेंगे तापर देखो नेक्स्ट टाइप आम जो देखा नेक्स्ट टाइप देखो ये टाइप रो आपली कि जदि वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर पावर एम ये टाइप रि आमको दिखाई तेल आम कमी सल्व करवा ठीक अच्छे सो देखो से टाइप रोश्चन टा दिखाई ये खाली ए जगार आमको दिखाई वन दिखाई ठीक से किसी भी प्रोब्लेम ना बर्तमान कौन करेंगे यार आपने डेरिवेटिव काढ़े तो डेरिवेटिव आपने आराम से काढ़ीपारे देखो मुझे फिर भी काढ़ी देखा वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर एम दिखाई यार जब आम डेरिवेटिव करवा दैट इज वाई वन तो सही कौन हो एक्सप्रेशन टाक आप एक्स भाई कनसीडर करूँ तो एक्स रो पावर एम कौन होम एक्स रो पावर एन माइनस वन तो दैट इज एक्स प्लस स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर माइनस वन यार पावर कौन आसो एम माइनस वन आसो मल्टीप्लाइड विथ डेरिवेटिव अफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज एक्स प्लस स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर माइनस वन तो यार भैल्यूटा के एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर माइनस वन यार पावर के एम माइनस वन एंड यार डेरिवेटिव हो प्लस टू स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन डेरिवेटिव के टू एक्स आसो तो टू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे ठीक अच्छे सो दिस टू टू कैनसल तापर कौन आसो एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर केम माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट ओवर यहाँ आसो एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट ओवर प्लस एक्स बर्तमान देखो या सहित मल्टीप्लाई करेंगे बर्तमान आपंती बुझा ये जिनसा आराम से बुझीपारे जमीक आमको ये एक्सप्रेशन टा जो दिखाई ये एक्सप्रेशन टा सपोज करूँ आमको दिखाई एम यू आपने यु नहीं जातु यू रवर एम माइनस वन यहाँ हूँ यु डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट ओवर तो बर्तमान ये दुटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे कौन हम पावर टा एड हो ना नहीं एड हो जिनसा मुझे ये देखापी चाहूँ ठीक अच्छे सो एम ये कौन हो एक्स स्क्वायर रूट अफ एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर टा एड हो एम माइनस वन एटी किसी नहीं मीनस वन अच्छे तो दुटा को एड कर दिखाँ आपने के पाइबे एम पाइबे राइट डिवाइडेड बाय के डिवाइडेड बाय हो डिवाइडेड बाय हो एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट अफ एक आसीगला तो यहाँ हूँ आम फर्स्ट डेरिवेटिव बर्तमान आम एक्सप्रेशन टा लिखा एक्सप्रेशन लिखापी आम कौन करवा देखो से जिनसा लिखाई
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଡିନୋମିନେଟରରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାର ସ୍କୋୟାରଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଅଛି, ତ ୟାର ସ୍କୋୟାରଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ଆସିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ୱାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ସେମ୍ ଜିନିଷ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏକ୍ସର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ କି ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତ ପଜିଟିଭ୍ କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ହି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକି କି ଅଛି, ଏମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏମ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ୱାଇ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇନ୍, କସ୍, ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦିଆହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାର ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲିବିଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଆସିବ, ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲେଖିବେ ସେଇଟା ବୁଝି ଆସିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ୍ ବାଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଇର ପାୱାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ନୋଟ୍ କରୁଥିବେ କି ଯେତେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦିଆହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏମିତି କିଛି ଲେଖାହେଉଛି। ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏମିତି କିଛି କାହିଁକି ଲେଖାହେଉଛି, ଏଇଥି ପାଇଁ ଲେଖାହେଉଛି ବିକଜ୍ ଯଦି ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କସ୍ ଇନଭର୍ସ ନେବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ତାର ଡେରିଭେଟିଭ୍ରେ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଡିନୋମିନେଟରରେ ପାଇବେ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କିମ୍ବା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଟର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ନେଇକି କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍, ତ ଲିବିଞ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବେ। ଠିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅବଜରଭେସନ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସୋ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ଆସୁଛି, ଇର ପାୱାର ଏମ୍ ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ତ ୟାର ଆପଣମାନେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ୟାର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟାକୁ ଏଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତୁ କି ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଇର ପାୱାର ଏକ୍ସର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କେତେ ହେଇଥାଏ, ଇ ପାୱାର ଏକ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇର ପାୱାର ଏମ୍ ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ହି ଆସିବ। ତାପରେ ଏମ୍ ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ୟାର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଯଦି କାଢ଼ିବା, ଏମ୍ଟା ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସର ଆସିବ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଡେରିଭେଟିଭ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଡିନୋମିନେଟରରେ ଅଛି, ଡିନୋମିନେଟରରେ କି ଅଛି, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫର୍, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍କୋୟାର ନେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାର ସ୍କୋୟାରଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ଯଦି ୟାର ସ୍କୋୟାରଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଏତିକି ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ୱାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଏକ୍ସ ଆସିବ, ତାପରେ ୱାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜେସ୍ଟା କେଉଁଠି ହେବ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଲେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ମାଇନସ୍ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯାହା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଠୁ ମାଇନସ୍ କରୁଥିଲେ ସାଇନ୍ କେସ୍ରେ କିମ୍ବା ଲଗ୍ କେସ୍ରେ। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲରେ ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଏ, ତ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ୱାଇ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ, ବସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଡିଟୋ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କରିବେ। ଠିକ୍, ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି, କି ଯଦି ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲରେ କ'ଣ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକି ଥିବ, ସେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ଟାଇପ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ମାଟରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଟେନ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ, ଟେନ୍ ଅଛି ତ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଓକେ, ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିଲା ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ ସାଇନ୍ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇ ପାୱାର ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କାଢ଼ିବା, ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଇ ପାୱାର ଏକ୍ସର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ କେତେ, ଇ ପାୱାର ଏକ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇ ପାୱାର ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କେତେ ଆସିବ, ୱାନ୍ ଅପନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଏତିକି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଫର୍ମାଟରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଠି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଫର୍ମାଟରେ ନାହିଁ, ତ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଯଦି ନାହିଁ, ତ ୟାର ଆମେ ଆଉ ସ୍କୋୟାର କରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍କୋୟାର କରିବାନି ମିନ୍ସ କ'ଣ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାରଟାକୁ ଆମେ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ତ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଆସିବ, ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବା, ୱାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେଖିବା, ରାଇଟ୍, ୱାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଏକ୍ସର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଏକ୍ସର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତ ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ଲେଖିବେ।
ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 2n+1 ଆସୁଥିଲା, 2n+1 ଏକ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ତ ଏଠି 2n+1 ଏକ୍ସ ତ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ -1, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। 2n+1 -1, ତ ଏଠି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 2n+1 ଯେଉଁଟାକି 2 × n+1 ଆସୁଛି, 2n+1 ଆସୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଲେଖୁଥିଲେ 2n+1, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା 2ଟା ବାହାରେ ରହିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, 2 × n+1 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ -1 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ yn+1। ଏଠି n+2 ଅଛି ତ ଏଠି n+1 ଆସିବ, ସେଇଟା ତ ପୁରା ସେମ୍ ରହିବ। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ n² କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଠି n² ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆସିବ, n × n+1 yn=0 ଆସିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ବାଲାଟା ରହିଛି, ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ବାଲାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ବି ରଖିଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟିକ୍ କରିକି ଆସିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ବାଲା ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ ଆଉ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇପ୍। y=ହେଉଛି ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ଦିଆହେଇଥିବ, ୟାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲେଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିବେ ତ ଏଇଟା ପାଇଯିବେ 1/1+x², ତ ଏଠି ତ ସ୍କୋୟାର୍ କରିବାର ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, 1+x², ତାପରେ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ କ'ଣ, yn+1। ଯେହେତୁ ଏଠି n+1 ଆସୁଛି, ତ ତାର ପଛ ଟର୍ମଟା କ'ଣ ହେବ, ତାର ପଛ ଟର୍ମଟା yn ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଠି ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ 2n(x) yn, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ n × n-1, ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ, yn-1। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟ୍ କରୁଥିବେ କି ଯାହା ବି ଏଠି ରହୁଛି ତାଠାରୁ ଗୋଟେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ସୋ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସର ଲିଭିଂ ଫର୍ମ, ବୁଝି ଆସିଲା। ସୋ ଯଦି ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ଥିବ କିମ୍ବା ଇର ପାୱାର ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫର୍ମାଟକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ କି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା ଆସିଲା, ଏଇ କୋଶ୍ଚେନ୍ର ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ କ'ଣ ଗିଭେନ୍ ଅଛି, କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ଗିଭେନ୍ ଅଛି କି ଲେଟ୍ x=cos t ଆଣ୍ଡ y=sin pt, ୱେର୍ p ଇଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେନ୍ 1 − x² yn+2 −2n+1 xyn+1 = 0। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଦେଖିକି ବୁଝି ଆସିଥିବ କି କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା ଲିଭିଂ ଥିଓରମ୍ରୁ ଆସିଛି। ଏତିକି ବୁଝି ଆସିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବେ କି ସାର୍ ଆମକୁ y=, ସେଠି ଦିଆହେଉଥିଲା ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ କିମ୍ବା ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦିଆହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏଠି ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ଦିଆହେଇନି। ସାର୍ ଯଦି ଦିଆହେଇନି ତାହେଲେ ଆମେ ବନେଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମକୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ଡାଟା ଦେଇଛି କି x=cos t, ତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ x=cos t। y=, କେତେ ଦିଆହେଇଛି, sin pt, ତ y=sin pt ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, sin pt। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଯଦି x=cos t ହେଉଛି, ତ ଟିର ଭ୍ୟାଲୁଟା କ'ଣ ଆସିବ, ଟିର ଭ୍ୟାଲୁଟା କସ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯଦି y=sin pt ଦିଆହେଇଛି, ତ ଟି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କସ୍ ଇନଭର୍ସ ଲେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ, sin p cos ଇନଭର୍ସ x, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ସେମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆସିଲାନି କି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଦେଖେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, sin m sin ଇନଭର୍ସ x, ତ ଏଠି ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଇଛି କସ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସ, ତ କସ୍ ଇନଭର୍ସ ଏକ୍ସରେ ଆମର କିଛି ଦେଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ଓକେ। ଯାହା ବି ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ ସେମ୍ ହିଁ ତ ଦିଆହେଇଛି ନା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, y=, ଆମେ ପାଇଗଲେ କ'ଣ, y=, ଆମେ ପାଇଗଲେ sin p cos ଇନଭର୍ସ x ପାଇଗଲେ। ତ ଏତିକି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, y1 ବାହାର କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେରିଭେଟିଭ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ, ସାଇନ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ cos p cos ଇନଭର୍ସ x ଆସିବ। ତାପରେ p cos ଇନଭର୍ସ x ଡେରିଭେଟିଭ୍ କେତେ ଆସିବ, −p/(1 − x²√2), ଏତିକି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଡିନୋମିନେଟର୍ରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍କୋୟାର୍ କରିବା। ତ ସ୍କୋୟାର୍ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 − x², ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ, yn+2 ଆସିବ। ଏକ୍ସର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ କି ଅଛି, ଏକ୍ସର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାଇନସ୍, ତା ମାନେ ଏଠି ଆମର ଟର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାଇନସ୍ରେ ଆସିବ। ସୋ −2n+1 ଏକ୍ସ, ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ, yn+1 ଆସିବ। ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ଟର୍ମ ଆସିବ n² n² ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, n² ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ −p² ଲେଖିବେ ୟା ଫେର୍ +p² ଲେଖିବେ।
तो माइनस पी स्क्वायर लिखे कि प्लस पी स्क्वायर लिखे। तो देखो ये आमको पी दिखाई ना, तो आमको पी टा को ही लिखे अच्छे। तो पी रि आप मैंने माइनस पी भी जब नौ माइनस पी स्क्वायर कले कौन हो प्लस पी हो यस न, तो ये आपर कौन आसो तो माइनस पी स्क्वायर आस एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तापर कौन लिखे ये वाई एन इज इक्वल टू जीरो लिखे। से आमको क्वेश्चन में देसी कौन ये दुटा टर्म्स दिखाई सो दिस इज इक्वल्स टू कौन आमको पचार। तो यही एक्सप्रेशन टाक आपंती लिखा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू यही टर्म्स टाक आपने राइट साइड को नहीं आसतु। राइट साइड को नहीं आसे कौन है यहाँ देखो तो प्लस हो सो एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई एन सो एतिको आपको एनसर। बर्तमान आपसन चेक करूँ अप्सन में देखो एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई एन दिखाई सो दैट इज अप्सन बी दिखाई सो अप्सन बी हो यार करेक्ट आंसर। तो आशा करी आपको जदि लिमिट थ्योरम क्वेश्चन किसी भी दौर तेल लिमिट थ्योरम क्वेश्चन गुड़ाक आपतान सल्व करेंगे। तापर आम जा नेक्स्ट दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन रो क्वेश्चन ठीक। तो देखो तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करने तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन केमती फॉर्म करेंगे सेटा तो आपने जान नथबे। तो से आम कौन कर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन रो टिके कांसेप्ट सीखी ना ठीक अच्छे पूरा आमको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़वार ना बस आमको टिके ओवरलुक करार अच्छे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन जिनस अच्छे जमीक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहुए डिफरेंशियल इक्वेशन रे देखो जदि गोटे इक्वेशन आपको दिखाई इक्वेशन मीनस कौन एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस थी आम इक्वेशन कहीदेव। तो जदि आमको गोटे इक्वेशन दौर जो थे कि कौन हो डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनक्लूड हो रोचे ठीक अच्छे मीनस गोटे एमती इक्वेशन जो थे कि डेरिवेटिव रही सहित आम डिपेंडेंट वेरिएबल रही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रही तो से टाइप इक्वेशन को आपने डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे कि आपति भी बुझीपारती कि गोटे इक्वेशन रे जदि डेरिवेटिव रोचे तेल सेटा ही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन टा रही है डिफरेंशियल इक्वेशन टा दी प्रकार रही गोटे हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ को आम ओडी कही थो आउ गोटे हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ को आम पीडी कही थो। तो ओडी और पीडी भितर डिफरेंस कौन रही है जमी आपको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कही ऑर्डिनरी डेरिवेटिव रे कौन होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव रे वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल थाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल थाए। तो जितेबाला गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन रे गोटे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाइबे जमी डिफरेंशियल इक्वेशन रे केतोटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी गोटे अच्छी दैट इज एक्स सोटा हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रे कौन था मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक अच्छे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जदि गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन रे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखापी मिलूँ तोटा हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जमीक मुझको एग्जांपल दूसरी सपोज करूँ आमको दिखाई कौन ना डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ हूँ आम कौन एटा हूँ आम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। से भाई जब आम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कथ कह सपोज करूँ आमको गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप रही दिखाई डीयू अपॉन डीटी प्लस डीयू अपॉन डीएक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ये देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी अच्छी एक्स अच्छी मैंने दुटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो यहाँ हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड थी जो इक्वेशन रे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो गोटे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड थोड़ा कहा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बर्तमान आपने बुझीजाइए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन बर्तमान आम देखा ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रे ऑर्डर कौन होता है ठीक अच्छे ऑर्डर ओ आर डी आर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन होता है जदि गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई सपोज डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर किंबा एक्स स्क्वायर आमको दिखाई फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर दिखाई तापर सेकेंड गोटे मुझे इक्वेशन लिखुची सपोज डी टू वाई अपॉन डीएक्स टू प्लस टू डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये दुटा डिफरेंशियल इक्वेशन रे ऑर्डर केते हो ऑर्डर माने कौन ना जो आम डेरिवेटिवटा थी सेटा आप केते थर डेरिवेटिव होती आपने देखिपे डी अपन डीएक्स तो गोटे थर डेरिवेटिव होती तो यार ऑर्डर केते हो यार ऑर्डर हो वन। सिमिलरली ये डिफरेंशियल इक्वेशन टा केते थर हाएस्ट केते थर होती एटी तो थे एटी दी थर होती आपने देखिपे ठीक अच्छे।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ता माने एठी हमरो केते हिबो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज तो ऑर्डर माने बुझि जे थबो ऑर्डर माने होची कि गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन रे जो डेरिवेटिव ता इंक्लूड हे कि रहिछ से डेरिवेटिव रे हाईएस्ट केते थरो डेरिवेटिव हेछ सेटा ही हबो आपन को ऑर्डर तापर आसीबो कोन तापर आसीबो आपन को डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिग्री कौन है देखो तो जिते भी आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तार जहाँ भी पावर थी जमीती कि ये पावर किसी अच्छी किसी ना मैंने वन अच्छी तो यार डिग्री हम वन सिमिलरली एटी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो टू तो यार पावर भी किसी ना तो मैंने यार भी डिग्री कैसे हम वन तो डिग्री कौन है तेल जो आम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तार जहाँ भी एक्सपोनेंट था कहा जाए डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो जमीती कि मुझको इक्वेशन लिखिकी दिखाऊँ जमीती कि आमको दिया जाए फर्स्ट जो इक्वेशन डी टू y upon dx2 plus x is equals to cos y मु लिखि दउछि cos y तो एठी हमर डिग्री केते हबो एठी हमर डिग्री हबो 1 बिकॉज एठी देखि पर्थु आपण माने केते थर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहिछ तार पावर केते छि तार पावर 1 अछि ता माने यार डिग्री केते हिबो 1 हिबो सिमिलरली सेकंड मु गोटे इक्वेशन लिखुछि सपोज करंतु du upon dt plus du upon dx रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तो ये देखो ये भी हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बट ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रे पावर के पावर अच्छे टू ताने यार डिग्री के यार डिग्री हो बुझी आसला आउ गोटे जिनस देखो ऑर्डर आउ डेरिवेटिव कनसेप्ट शिखेबार माने कौन देखो जितेबले भी गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाए ठीक अच्छे जितेबले भी गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाए से डिफरेंशियल इक्वेशन रे जितकीटा भी आपर आर्बिट्री कनस्टेंट थाए सेटा ही तार हो नंबर ऑफ ऑर्डर ठीक अच्छे सो मुझे तेल लिखुचे देखो गोटे सपोज आमको फंक्शन दिखाई ए टाइप रखी ए कोसेक्स प्लस बी साइन एक्स यहाँ आमको सपोज गोटे फंक्शन दिखाई ये फंक्शन आम कौन कर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिपर रईट तो यार जो आम डिफरेंशियल इक्वेशन टा लिखा ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो एटी केतोटी आमर आर्बिट्री कांस्टेंट अच्छी फंक्शन दुईटा अच्छी तो आम जो यार डिफरेंशियल इक्वेशन टा बनवा ना तो सेटा केते ऑर्डर हम सेकेंड ऑर्डर हम माने दुई थर डेरिवेटिव करिया को पड़ो तो से जिनसा मुझे आपको शिखापी चाहूँगी कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्बिट्रारी कांस्टेंट ठीक अच्छे आर्बिट्रारी कांस्टेंट तो जितकीटा आर्बिट्री कांस्टेंट थी से थर आपको डेरिवेटिव हम तो बर्तमान आम टे क्वेश्चन आड़क जी देखो क्वेश्चन से आमको देखिए कौन ये जो आमको फंक्शन टा दे फंक्शन रे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे अच्छे दुईटा अच्छे ना नहीं ए और बी तमें आम जो डिफरेंशियल इक्वेशन टा हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर कैसे होगा दरकार टू होगा दरकार तो आपने देखो ये जो फर्स्ट देखिए फर्स्ट कौन टू ऑर्डर दिखाई कि दिहनी तमें यहाँ के आंसर हम कि हेनी तो आपने ऑप्शन रू डिस्कड करदे देखो कौटी टू ऑर्डर रही एठी अच्छी कि एठी भी नहीं मैंने यहाँ भी आंसर हेनी तो यहाँ भी कैनसल होगा रही कि आपंकर बी रहा सी रहा तो बी और सी भितर दुटा भितर गोटे करेक्ट हम तापर आम देखा कि फर्मेसन केमती कराए ठीक अच्छे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड डिग्री बुझे आईब बर्तमान आम देखा कौन फर्मेसन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक अच्छे कौन देखा फर्मेसन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन केमती फॉर्म करा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिया को हेले आमको कौन करिया को पड़िबो एलिमिनेट करिया को पड़िबो ठीक अच्छे एलिमिनेट ऑल द आर्बिट्रारी कांस्टेंट फ्रॉम ए रिलेशन इन the variable in the variable and constant तमने से कौन कौन सी ना आमको जो रिलेशन टा दिया जो थे कि वेरिएबल भी थोड़ा कन्स्टेंट भी थोड़ा जमी आप रिलेशन टा देखते वाई इज इक्वल्स टू ए कॉस एक्स बी साइन एक्स एटी वेरिएबल रही कन्स्टेंट रही तो से जो वेरिएबल आउ कन्स्टेंट रिलेशन टा थोड़ा से रिलेशन रो जो आम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करवा से जो आर्बिट्री कन्स्टेंट अच्छे आम कौन करवा एलिमिनेट करदे मैंने बाहर करदे बाहर कर सारापर आम डिफरेंशियल इक्वेशन टा फॉर्मेशन हम ठीक तो आम एलिमिनेट करवा कमी ठीक अच्छे एलिमिनेट आम करवा कमी तो आमको जो फर्स्ट एक्सप्रेशन टा दिया था देखो वाई इज इक्वल्स टू दिया आमको ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स दिखाला यहाँ हूँ आम एक्सप्रेशन राइट ये जब आम देखा वाई इज इक्वल्स टू ए कॉस एक्स बी साइन एक्स यही तो थी ना बर्तमान देखो
ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୟାକୁ ଆମେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଦୁଇଟା ଆମର କ'ଣ ରହିଛି, ଦୁଇଟା ଆର୍ବିଟ୍ରେରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ମାନେ ୟାର ଯଦି ଆମେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିବା ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ର ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେବ। ମାନେ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଥର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ କ'ଣ, ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ଆସିବ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ଲେଖନ୍ତୁ, ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛନ୍ତୁ, ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ସୋ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ କ'ଣ ଆସିବ, ୟାର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କସ୍ ଏକ୍ସ, ଏ କସ୍ ଏକ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଯଦି ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ, ମାଇନସ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ଆସିବ, ରାଇଟ୍। ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ବି କସ୍ ଏକ୍ସ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରିଭେଟିଭ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ, ଡି ଟୁ ୱାଇ ଅପନ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଟୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଆସିବ। ୟାର ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରିବା, ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇନସ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ, ସାଇନ୍ ଏକ୍ସର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ସାଇନ୍ ଏକ୍ସର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କସ୍ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ। ସୋ ମାଇନସ୍ ଏ କସ୍ ଏକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା କସ୍ ଏକ୍ସର ପୁଣି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଏତିକି ପାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ମାଇନସ୍ଟା କମନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ଆସିବ, ଏ କସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛି କ'ଣ, ଏଲିମିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଆଉ ବିକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କସ୍ ଏକ୍ସ ବି ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେଇଟା କ'ଣ, ଏ କସ୍ ଏକ୍ସ ବି ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୱାଇ ନୁହଁ କି? ତ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ୱାଇ ପୁଟ୍ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ, କରିପାରିବା। ତ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିଗଲା, ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଆସିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଡି ଟୁ ୱାଇ ଅପନ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଏ। ତ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲେସନ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଇ ରିଲେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି। ଯେତିକିଟା ଆର୍ବିଟ୍ରେରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ସେତିକି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଆସିବ। ତ ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ଟା ଥିବ ତାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବେ ସେତିକି ଥର। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବେ। ତ ଏଲିମିନେଟ୍ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗିଭେନ୍ ରିଲେସନ୍ଟା ଦେଇଥିବ ସେଇ ରିଲେସନ୍, ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଏଇସବୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଫର୍ମ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆମର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା ଦେଇଛି ସେଇ କୋଶ୍ଚେନ୍ର ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଇଫ୍ ଫର୍ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି ଆର୍ ଦ ଟୁ ପାରାମିଟର୍ସ, ପାରାମିଟର୍ସ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆର୍ବିଟ୍ରେରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ କସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଠିକ୍। ତ ୟାର ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ କସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ୟାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ। ତ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ କେତେ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇନସ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ଆଉ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କେତେ ଆସିବ, ଥ୍ରୀ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଆସିବ। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କ'ଣ ପାଇବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବି କସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପାଇବେ, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇବେ। ତ ଏଇଠୁ ଆମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଅଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ, ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି କସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଆସିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡି ଟୁ ୱାଇ ଅପନ୍ ଡି ଏକ୍ସ। ତ ୟାର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଥ୍ରୀଟା ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରହିବ, ଡେରିଭେଟିଭ୍ କାହାର ହେବ, ୟାର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ହେବ। ତ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କର, ମାଇନସ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ, କସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଆସିବ, ଆଉ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସର ଥ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ମାଇନସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଆସିବ, ଏଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଥ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇଠୁ କ'ଣ ହେବ, ମାଇନସ୍ ଗୋଟେ କମନ୍ ଯିବ ଆଉ ଥ୍ରୀଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଯିବ। ତ କମନ୍ ନେଇଯାଉ, ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ। ସେଠି କେତେ ଆସିବ ବାହାରେ, ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଆସିବ, ଥ୍ରୀ ଥିଲା ଆଗରୁ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଆମେ କମନ୍ ନେଲେ ତ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ କେତେ ରହିଯିବ, ଭିତରେ ରହିଯିବ ଏ କସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିଯାଇଥିବ କି କ'ଣ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳ ହେଉଛି, ଠିକ୍। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ୱାଇ, ୱାଇରେ ଆମେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୱାଇ ରଖିଦେବା। ତ ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ବନିଯିବ କ'ଣ, ଡି ଟୁ ୱାଇ ଅପନ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ୱାଇ। ୟାକୁ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ ଏଇଟା ଆସିବ ଡି ଟୁ ୱାଇ ଅପନ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି, ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିରେ ଦିଆହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଦିଆହେଇଛି। ତ ବିଟା ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ କାଲକୁଲସ୍ର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ବଟ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝି ଆସିଥିବ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଆମର ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା, ୟା ଉପରେ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପସିବଲ୍ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଡେରିଭେଟିଭ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ତାପରେ ୟା ଉପରେ, ଓକେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।